जैसे कि मैंने शॉर्ट्स में बताया कि मैंने आज मंगाया हुआ था केक की एसेसरीज़, तो यहाँ पर मैंने बिटर मंगाया हुआ था, तो बिटर की ओपनिंग करते जो कि अमेजोन से मंगाया है, और ये ना ओनली मुझे 579 का पड़ा। और यहाँ पर हम देखते हैं इसको ओपन करने के बाद जो इसका जो भी यहाँ पर ब्रांड देखने को मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा था, इसका रिव्यू देखने के बाद ही मैंने मंगाया था। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर एसेसरीज़ देखने को मिलती हैं, यहाँ पर दो टूल्स देखने को मिलते हैं, तो इसको जैसे कि आप विटर करने के लिए भी और लाइक बिस्किट वगैरह का जो भी हम बोल सकते हैं कि अगर हाई आटा गूंथने के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दो ब्रशेस भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर ब्रश, और इसके अलावा ये हमें देखने को मिलता है लाइट वेटेड विटर। फाइनली हम इसे ओपन करते हैं ना, तो ये काफ़ी अच्छा है और ये 260 वोल्ट का है, मतलब समथिंग ये वोल्ट भी काफ़ी अच्छा है, 7 स्पीड में चलने वाला है। और इसको चालू करने के बाद ना ये काफ़ी वर्किंग अच्छा भी था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये देखिए जैसे कि इसमें लिखा 260 वोल्ट का है और स्पीड 7 है, और ये इसमें जैसे कि कंपनी लिखी हुई है स्कार्फ करके कुछ है, और यहाँ पर कुछ वारंटी कार्ड्स भी देखने को मिलता है। और फिर इसके बाद ना मैंने अपना ये अनबॉक्सिंग करी है केक के जो भी मटेरियल मंगाए थे, केक डेकोरेशन आइटम्स के ये मटेरियल्स थे। अब ना इसमें ना ऑल थिंग्स है, मतलब ये समथिंग मुझे ना 349 समथिंग का पड़ा था, मतलब 350 तक का पड़ा था। और यहाँ पर देखिए ये रोलर केक भी है यहाँ पर राउंड करने के लिए, इसे देखिए, और स्टैंड मतलब रोलर स्टैंड केक है, मुझे तो बहुत से नाम पता भी नहीं है। यहाँ पर डेकोरेटिव ये जो पाइप्स देखने को मिलती हैं, और ये ब्रशेस और स्कैपुलास, ये हमें 3 नाइव्स देखने को मिलेंगी, कुछ होल्ड करने के लिए रहती है, कुछ डेकोरेट करने के, इनका काम भी बड़ा अलग अलग रहता है। और ये नाइव्स भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग ना सारी जो टूल्स हैं वो सारे काफ़ी अच्छे हैं। और जैसे कि आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ एसेसरीज रखी है डिज़ाइनिंग करने के लिए रखी हुई हैं, जैसे कि ये हमारे स्कैपुला है प्लेन करने के लिए केक को, और ये बारी आती है तो ये जो हमें देखने को मिलता है ये डिज़ाइन करने के लिए कुछ होती है, ये कम से कम 10 समथिंग है, और ये 3 हमें इसका यूज़ भी डिज़ाइन के लिए होता है। अब ये भी फॉर डिज़ाइन के लिए होते हैं, ये 4 टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग साइज के हैं, मतलब साइज़ तो नहीं, अलग अलग डिज़ाइंस के हैं केक के जो बॉर्डर में हम डिज़ाइन करने के लिए लगाते हैं। और इसके अलावा ना यहाँ पर मेज़रमेंट कप भी मुझे देखने को मिलते हैं, मेज़रमेंट कप भी 10 मेज़रमेंट कप है साइज के अकॉर्डिंग, तो इसमें साइज़ भी अलग अलग है, यहाँ पर 10 मुझे मेज़रमेंट कप देखने को मिल जाते हैं। और भी यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अच्छी थी, मतलब मुझे तो काफ़ी पसंद आई।